नमस्कार दोस्तों, डिफेंस की दुनिया में पिछला एक मंथ इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। हिमालयास की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर बे ऑफ बंगाल के लॉन्च पैड्स तक एक के बाद एक एडवांस्ड मिसाइल टेस्ट ने देश की मिलिट्री ताकत को एक जबरदस्त रफ्तार दी है। ये सिर्फ नए हथियारों की कहानी नहीं है, ये एक नई स्ट्रेटेजिक सोच की कहानी है, एक ऐसे देश की कहानी जो एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच बना रहा है, एक ऐसा शील्ड जिसे तोड़ना मुश्किल है। सबसे बड़ी छलांग है हाइपरसोनिक फील्ड में, जिसे लीड कर रहा है सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु। जुलाई 2025 में ET-LDHCM के सफल टेस्ट की खबरें आईं। ये एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मार्क 8 यानी लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती है। इसका राज है इसका स्वदेशी यानी इंडिजीनियस क्रैमजेट इंजन, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर उड़ता है। इसकी लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट और हवा में रास्ता बदलने की काबिलियत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है। लेकिन प्रोजेक्ट विष्णु की स्ट्रेटेजी डबल एज्ड है। नवंबर 2024 में इंडिया ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRAShM का टेस्ट किया। ये अलग तरीके से काम करती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल इसके हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को स्पेस के किनारे तक ले जाता है और वहां से HGV बिना पावर के मार्क 10 की स्पीड से अपने टारगेट पर तेजी से गिरता है। इसका मिशन साफ है, कैरियर किलर बनना, यानी समुद्र में बड़े बड़े जहाजों को 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर से ही तबाह करना। एक तरफ जहां इंडिया हाइपरसोनिक अटैक वेपन्स बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने डिफेंस को भी लोहे जैसा मजबूत कर रहा है। जुलाई 2024 में DRDO ने अपने फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का सफल टेस्ट किया। ये सिस्टम एक सुरक्षा कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है, जो 5000 किलोमीटर दूर से आ रही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर सकता है। जमीन के नजदीक 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर लद्दाख में आर्मी ने जुलाई 2025 में आकाश प्राइम सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया। खास तौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए बनाई गई इस मिसाइल ने 2 हाई स्पीड एरियल टारगेट्स को सफलता से नष्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लगा है इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इसे फायर एंड फॉगेट बनाती है और विदेशी निर्भरता यानी फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करती है। नए सिस्टम जरूरी है, लेकिन असली ताकत तभी है जब आपके पुराने हथियार भी हमेशा तैयार हों। 17 जुलाई 2025 को इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने एक के बाद एक रात में न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया। ये एक्सरसाइज दुश्मन को एक साफ स्ट्रेटेजिक मैसेज था। एक ही दिन में 2 अलग अलग तरह की मिसाइल्स को लॉन्च करके SFC ने साबित कर दिया कि वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार है। और हवा में आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा सबूत, 11 जुलाई 2025 को अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट उसके अपने इंडिजीनियस RF सीकर के साथ सफल रहा। मिसाइल के इस दिमाग को खुद बनाकर इंडिया ने एक बड़ी इंपोर्ट की रुकावट को तोड़ दिया है। अब इंडिया के फ्रंटलाइन फाइटर्स जैसे Su-30MKI और स्वदेशी तेजस एक वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया हथियार से लैस होंगे। हाइपरसोनिक हमला, मल्टीलेयर्ड सुरक्षा और हमेशा तैयार सेना, ये सारे डेवलपमेंट्स मिलकर एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। इंडिया एक इंटीग्रेटेड डिफेंस पोस्चर बना रहा है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो दुश्मन के हमले को सहने की हिम्मत देती है और साथ ही किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कई क्रेडिबल ऑप्शंस भी देती है। पिछले साल की इस शानदार प्रगति के साथ भारत ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया है कि इस अनिश्चित यानी अनसर्टेन दुनिया में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसके पास इच्छा शक्ति, टेक्नोलॉजी और ताकत तीनों हैं। जय हिंद।